आज हम आपको ऐसी फाइव सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें पूरी दुनिया के न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स हेल्दी वेजिटेबल्स मानते हैं। इसका कारण यह है कि ये सब्जियां विशेष पोषक तत्वों जैसे न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर हैं, जो इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने और कई बीमारियों से बचाने में काम आते हैं। अगर आप भी इन फाइव सब्जियों को रोजाना के खानपान डेली डाइट में किसी भी तरह से शामिल कर ले तो आपको भविष्य में कई गंभीर बीमारियों और शारीरिक समस्याओं का खतरा कम होता जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाल रंग के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इन सब्जियों के बारे में। पहला है लहसुन। जिस लहसुन को आज हम और आप खाते हैं वो कितना गुणकारी है, इसकी खोज आज से हजारों साल पहले ही चीन और मिस्र में कर ली गई थी। भारतीय आयुर्वेद में भी लहसुन को बहुत महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। लहसुन का सबसे पावरफुल और सबसे खास कंपाउंड है एलिसिन। लहसुन में मौजूद एलिसिन के कारण ही शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां लहसुन न खाया जाता हो। रिसर्च बताती है कि लहसुन खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की सफाई हो जाती है, खून में हानिकारक ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम होती है और यहां तक कि कैंसर से भी बचाव रहता है। दूसरा है पालक। दुनिया की सबसे हेल्दी सब्जियों में आपकी चिर परिचित पालक भी शामिल है। पालक इसलिए खास है क्योंकि इसके गहरे हरे रंग की पत्तियों में बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के खतरे को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा पालक विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसके कारण पालक खाने से आंखें लंबी उम्र तक स्वस्थ रहती हैं। सिर्फ 30 ग्राम पालक खाकर ही आप अपने डेली विटामिन की डोज का 56% हिस्सा पा सकते हैं। इसके अलावा पालक में विटामिन के भी होता है और कैलोरीज बहुत कम होती हैं। पालक खाने से भी हार्ट की बीमारियां और ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है। तीसरा है ब्रोकली। ब्रोकली भी हेल्दी सब्जियों की लिस्ट में काफी ऊपर आती है। इसका कारण यह है कि ब्रोकली में टू सबसे खास कंपाउंड होते हैं जिन्हें ग्लूकोसाइनोलेट और सल्फोराफेन कहते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स भी कैंसर को रोकने में कारगर माने जाते हैं। ब्रोकली के सेवन से कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा कम होता है। ब्रोकली में ढेर सारे पोषक तत्वों के साथ फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एक कप ब्रोकली खाने से आपको अपनी दैनिक जरूरत का 116% विटामिन के मिलता है और 135% विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा ब्रोकली में फॉलेट, पोटेशियम, मैंगनीज आदि मिनरल्स होते हैं जो दिल की बीमारियों से आपको बचाते हैं। चौथा है हरा मटर। मटर हमारे यहाँ सीजनल सब्जी है, इसलिए इसे लोग चाव से खाते हैं, मगर इसके पोषक तत्वों और फायदों के बारे में लोग कम जानते हैं। हरे मटर में स्टार्च ज्यादा होता है, इसलिए इसमें कार्ब्स और कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती हैं, इसलिए इसे बहुत ज्यादा खाने से ब्लड शुगर पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फाइबर और प्रोटीन के मामले में मटर बहुत ज्यादा समृद्ध सब्जी है। 1 कप मटर खाने से आपको लगभग 9 ग्राम फाइबर और 9 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा मटर में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, नियासिन, फॉलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन जैसे तत्व होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च में यह बात सामने आई है कि मटर के सेवन से कैंसर सेल्स का बढ़ना न सिर्फ कम हो जाता है बल्कि ये कैंसर सेल्स को मार भी सकती है। 5वां है स्वीट पोटैटो। शकरकंद के नाम में ही कंद है। हमारे यहाँ आने वाली सफ़ेद शकरकंद से कहीं ज़्यादा ऑरेंज कलर वाली शकरकंद हेल्दी होती है। इसे दुनिया भर में स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। ये स्वीट पोटैटो भी विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। बीटा कैरोटीन को फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है।
एक मीडियम साइज के शकरकंद को खाने से आपको 4 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन, विटामिन B6, मैंगनीज, पोटेशियम, विटामिन सी आदि मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।